एमपी अजब है और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं तो सच में गजब है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, एक बुजुर्ग बेड पर लेटे हुए हैं, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क तो है लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने वाली पाइप ही नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की ये तस्वीर आई है रतलाम मेडिकल कॉलेज से। चौपट स्वास्थ्य सेवाओं की भेंट ये बुजुर्ग चढ़ चुके हैं और उनके पास ही दूसरे बेड पर भर्ती उनकी पत्नी की भी जान इस सदमे में जा चुकी है। इन दोनों का बेटा भी इसी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस अस्पताल की व्यवस्था सुधरने की जगह जस की तस है। 12 तारीख के दिन उन्हें एडमिट किया गया था सुबह, तब तो वो ठीक थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, पर यहाँ जिस दिन से आए उस दिन से हर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई है। ऑक्सीजन पर थे और हर दिन उनके फ़ोन आते थे मेरे पास कि यहाँ कोई सुनता नहीं है। एक दिन ये था कि मेरी सासू माँ का फ़ोन आया, वो बोलते हैं कि मैं 3 घंटे से बाथरूम के लिए यहाँ चिल्ला रही हूँ, मुझे बाथरूम करवा दो। वो ऑक्सीजन पर थे, वो उठकर नहीं जा पा रहे थे, 3 घंटे तक किसी ने बाथरूम नहीं करवाया उनसे। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि मुझे 10-10 रुपये के कुछ सिक्के दे जाओ। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया नहीं। बहुत पूछने के बाद मुझे पता चला कि हर बार बाथरूम करवाने पर 10 रुपये यहाँ देना होते हैं। तो स्थिति बहुत ना के मैंने अपनी आंखों से पेशेंट को गिरते हुए देखा है, वो गिर गए, उन्हें कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है। आखिर में तड़प कर पेशेंट खुद अपने ताकत से उठता है और बाथरूम तक के लिए जाता है, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अभी 2 दिन पहले मेरी सासू माँ का फ़ोन आता है शाम को 6 बजे मेरे पास कि बेटा पापा तड़प रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर। मैंने यहाँ आकर देखा तो वो बाईपैक पर थे और बाईपैक पे ऑक्सीजन का मास्क तो लगा हुआ था पर नली नहीं थी, मतलब वो ऑक्सीजन के लिए, जो मैंने वीडियो भी शेयर किया है, ऑक्सीजन के लिए वो तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन दो, पर वहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके ऑक्सीजन नहीं लगाया। थोड़ा हंगामा करने के बाद कोई व्यक्ति आता है और ऑक्सीजन की पाइप लगाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इतना देखने के बाद कुछ घंटों बाद मेरी सासू माँ का भी देहावसान हो गया और वो भी चले गए। इसी देश में डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उन्होंने तालियां भी बजाई थी, थाली भी बजाई थी, खुशी बजाई थी, पर आज ये दृश्य देखकर ना रोना आता। तो यहाँ आपके साले साहब भी, मेरे यहाँ पर साले साहब भी एडमिट है, वो ICU में है, वो भी 14 लीटर पे है, जानकारी जो मिल रही है। हालांकि जानकारी मिलती नहीं है, निकालना पड़ती है, उन तक ये बात नहीं पहुँच पाई है क्योंकि वो इस घटना को नहीं सहन कर पाते हैं। चूँकि वो अकेले बेटे थे उनके, तो और ICU में होने के कारण दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया है। अच्छा, आपने ये पूरी घटना की शिकायत की? मैंने हर अधिकारी लेवल पर शिकायत की है, कलेक्टर को, डीन मैडम को, यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री आए थे, उनको भी शिकायत की थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि 4 से 5 दिनों में स्थिति वो सुधरेगी, पर 4 से 5 दिनों में स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और मैं यहाँ पर लोगों को रोते हुए देख रहा हूँ, ऊपर में जाके देख आया, स्थिति बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। पिछले दिनों यहाँ पर शिवराज सरकार के मंत्री जगदीश देवड़ा भी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुँचे थे, उनके सामने भी अस्पताल में भर्ती मरीजों ने शिकायत की थी। इस दौरान हंगामा भी हुआ था, मंत्री जी ने भरोसा दिया था कि अस्पताल की व्यवस्था सुधारी जाएगी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मंत्री जी आजकल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन जब वो अस्पताल के दौरे पर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, जरा आप भी सुन लीजिए। इस संकट की घड़ी में सावधानी रखना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम भी आप भी करें, हम भी करें और लोगों को प्रेरित भी करें, क्योंकि इस समय लोग थोड़े घबरा रहे हैं इससे, तो घबराहट नहीं हो और लोगों को थोड़ा हिम्मत दिलाने का काम भी हम सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है। मैडम को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है सर, ये आज का मैटर नहीं है, ये बहुत दिनों से ये मैटर को चला। अब मैं इतना कोई कार्रवाई नहीं होती सर। आप जैसे इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी है लेकिन फिर भी वहाँ नर्सेज और जो डॉक्टर है वो बाहर से मंगवा रहे हैं। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन है जो वास्तव में बाजार से ही लाना पड़ते हैं, दूसरे कोई ऐसे जो इंजेक्शन वहाँ मिलते हैं, जो नियम में है, जो वहाँ लगना है वो वहीं लगेंगे। और अगर आपके संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो मैं इतना कहूँगा यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ में कि हमारे अधिकारीगण भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, आप बताएंगे और मैं भी उपलब्ध रहूँगा, तुरंत कार्रवाई करें। ऐसा एक मेजर इशू ये आया है कि किसी को वहाँ पे मोरफेनम इंजेक्शन लिखा गया है और उसको मोरफेनम की जगह जो है एंटीबायोटिक है उसकी जगह सेपरेट जोन लग रहा है, तो उसके पेपर पे वापस से ये नोटशीट नहीं सेट होती है, उसके कारण से कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती है। बहुत जल्दी 2 दिन में मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने देखा है और आपने मुझे बताया है इस समस्या का समाधान 2 दिन में हम करेंगे और मेडिकल कॉलेज की बेहतर व्यवस्था जो हो सकती है वो व्यवस्था हम करेंगे। फिलहाल सिस्टम की नाकामी की वजह से इस दुनिया से विदा हो चुके बुजुर्ग दंपति का अंतिम संस्कार उनकी बेटियों ने कर दिया है।
लेकिन राज्य में जो हालात बन रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। ये हम किसी को डराने के लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि यही सच्चाई है। तो आप भी सतर्क रहिए, मास्क पहनिए और अपनी और अपने परिजनों की जान की हिफाजत करिए। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, MP तक।